इसके बाद यीशु यरूशलेम में यहूदियों के पर्व में गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहस्दा कहलाता है। उसके पांच ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारों में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और जान लिया कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। क्या तू चंगा होना चाहता है? हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया। और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग गया। वो सप्त का दिन था, इसलिए यहूदी जो चंगा हुआ था उससे कहने लगे, आज तो सप्त का दिन है, हमारी व्यवस्था के अनुसार तेरा ये खाट उठाना उचित नहीं। जिसने मुझे चंगा किया उसने कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो कौन था जिसने तुझसे ये करने को कहा? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि यीशु कौन है, क्योंकि उस जगह भीड़ के कारण यीशु वहां से हट गया था। बाद में यीशु को वो मंदिर में मिला। देख, तू चंगा हो गया, पाप करना छोड़ दे, कहीं तेरे साथ इससे भी बुरा ना हो। उस व्यक्ति ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि यीशु ने सब्त के दिन चंगाई दी थी।